कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे हमें कौन सा चॉइस बढ़ना है। आपके लिए एक पीडीएफ के थ्रू मैंने कंप्लीट पैकेज तैयार किया है, जिसके थ्रू आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। आपने अगर गलत चॉइस गलत जगह पे भर दिया तो उसका पेबैक आपको बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पर। तो यार आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जो 25th से चॉइस फिलिंग WBG के स्टार्ट होने वाली है, तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे हमें कौन सा चॉइस बढ़ना है। बिकॉज चॉइस फिलिंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द काउंसलिंग। आपने अगर गलत चॉइस गलत जगह पे भर दिया तो उसका पेबैक आपको बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। इनफैक्ट टॉप कॉलेज जो आपको मिल सकता था शायद वो भी ना मिल पाए। तो इसलिए चॉइस फिलिंग को हमें एक तरीके से करना होता है। अब देखिए, बहुत लोगों को पता होगा कि काउंसलिंग सिस्टम कैसे चलता है। सबसे पहले जो कॉलेज हम भरते हैं प्रायोरिटी वाइज वैसे ही हमें कॉलेज मिलता है। लेट कीजिए, मैंने 50 कॉलेज भरे लेकिन जो मेरा 5th नंबर का कॉलेज है मुझे वही मिल गया। तो अब क्या है कि 5th के नीचे जितने भी कॉलेजेस हैं अब वो मुझे अपग्रेडेशन या नेक्स्ट राउंड में नहीं मिलेंगे। अब 4th, 3rd ऐसे करके हमें मिलेगा कॉलेज, और जो भी 6th नंबर, 7th नंबर ये सारे कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस अब हमारे लिए कोई काम के नहीं रहेंगे। 5th के ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम बीच में कोई ऐसा कॉलेज भर देते हैं जो हमारे काउंसलिंग को स्टक कर दे, आगे बढ़ने ही ना दे, तो इसका हमें पेबैक करना पड़ सकता है ऑटोमेटिकली। बीच में मैंने ऐसा कॉलेज भर दिया जिसके नीचे वाला तो कॉलेज मुझे मिल सकता था लेकिन अब वो मिल नहीं सकता, और ऊपर वाला कॉलेज मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पा रहा था, तो अब मुझे वही कॉलेज को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज का मिस्टेक कैसे हम ना करें, इस चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपको एक बात बता दूं, इस बार का जो नया काउंसलिंग प्रोसीजर आया है काफी की रोल प्ले करने वाला, नो डाउट की रोल प्ले करने वाला थ्रू आउट द काउंसलिंग। बिकॉज जो प्रोसीजर है अपने आप में ही एक लूप होल क्रिएट किए हुए, जिसको आप अगर अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो डेफिनेटली आप टॉप कॉलेज ले पाओगे। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, डेफिनेटली जाके देखना कि थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपके लिए एक पीडीएफ के थ्रू मैंने कंप्लीट पैकेज तैयार किया है, जिसके थ्रू आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कॉलेज को कि आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो समझा दूं। लेट करो कि मेरा रैंक 5000 है, तो मैं गया इसके अकॉर्डिंग, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मेरा रैंक 5000 है, तो मैं गया इसके अकॉर्डिंग, मैंने देखा कि मुझे 5000 पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल रहा है। अब देखो, बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि ब्रांच के साथ वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं बट कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है। लेट कीजिए, मुझे पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेना ही नहीं है, तो फिर मैं ये चॉइस को अपने यहां पे डालूंगा नहीं, या फिर बहुत लास्ट में डाल दूंगा। बिकॉज वो कॉलेज अगर गलती से मुझे मिल गया और उसके, लेट करो मेरा 5000 रैंक था, अब उसके ऊपर 4000 वाला मुझे कॉलेज मिल ही नहीं पाया, और मेरे को ना चाहते हुए भी इसी कॉलेज में ये ब्रांच के साथ कंटिन्यू करना पड़ा, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को हम बस शॉर्टलिस्ट करेंगे। ऑलरेडी बहुत सॉर्टेड वे में आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें से बस आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना है, जो ब्रांच आपको नहीं चाहिए उस ब्रांच को वहां से हटा देना है। उसके लिए मैंने एक और अच्छा तरीका आपके लिए पीडीएफ रखा है, जिसमें जैसे CSIT बहुत का डिमांड होता है, तो CSIT के लिए एक अलग सा पीडीएफ ही क्रिएट है, जिसमें आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको CSIT में कौन कौन से कॉलेज मिल पाएंगे। यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज कॉलेज है, रैंक स्मॉल रैंक मतलब सबसे कम रैंक से लेके सबसे ज्यादा रैंक तक कॉलेजेस शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, सारे कॉलेज कवर है, जितने भी WBJEE में वो सारे कॉलेज कवर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो भी रैंक, जैसे मेरा रैंक 5000 था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नो इंडिया सॉल्डिंग में को कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे यहीं से चॉइस स्टार्ट करनी है, बिकॉज जो काउंसलिंग है उसमें हो सकता है कुछ ऐसा उलटफेर हो जिससे उसके ऊपर के भी कॉलेज मिल जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर के भी कॉलेजेज है हमको वो भी भरने हैं, और जो मुझे मिल रहा है उसके नीचे के कॉलेजेज भी हमें सिस्टम वाइज भरने हैं। अब इसमें क्या थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना होगा आपको, लेट कीजिए मेरे को IIM लेना है, उसके नीचे कल्याणी रखना है, लेकिन यहाँ पे कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन जो प्रायोरिटी वाइज कॉलेज है ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, बिकॉज NIRF रैंकिंग को देख के या डिफरेंट रैंकिंग को देख के जो लोग भटकते हैं, मैं ये बता दूं कि 2019 में NIRF रैंकिंग जो IIM का था वो सबसे अच्छा था एज कम्पेयर टू हेरिटेज और हल्दिया। ठीक है, लेकिन इस बार 2020 में NIRF रैंकिंग जो है हेरिटेज का पहले आ गया, फिर हल्दिया का, फिर IIM का आया। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग हर साल चेंज होते रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज को रिकमेंड मत करो, बट
जो चॉइस फीलिंग है उससे पता चलता है मोस्ट पॉपुलेशन क्या डिमांड कर रही है, कौन सा कॉलेज डिमांड में है, उसके अकॉर्डिंग। बहुत लोग पैकेज के अकॉर्डिंग जाते हैं कि जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, बहुत लोग फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर पैकेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने टॉप 12 WBJEE कॉलेज का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको पैकेज रैंकिंग कॉलेजेस की सारी चीज डिटेल्ड वे में दिखाई गई है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने केवल जनरल कैटेगरी के लिए नहीं, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, इनफैक्ट ट्यूशन फी वेवर के लिए भी यहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ हमें, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ को इजिली देख सकते हो। अब इसके बाद अगर कोई भी डाउट मन में रह जाता है या फिर कोई पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिस भी सोर्स के थ्रू आप हमें कनेक्ट करोगे, हम आपको डेफिनेटली वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो इंक्लूड करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली आपके लिए उसको वर्क करके उसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको ये चैनल बहुत ही हेल्प करने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।